खबर आप। देखिए जो चर्चा में नहीं है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यदि सही रूप है कि उन्होंने अपने कोई केस को वापस लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। कि ये सारी समस्याएं यदि कोर्ट ने या सुन्नी सेंटर बोर्ड ने अपना केस वापस लिया तो सब कुछ जो होना चाहिए था आपसी भाईचारा बन गया, और साथ ही साथ यह इसे निस्तारण करने का कोर्ट को कोई परेशानी नहीं होगी और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कर देगा। क्योंकि जब एक पक्ष अपना कोर्ट अपना बात वापस ले लिया तो इसके बाद में इसको सरलता से निस्तारण करने में कोर्ट को कोई परेशानी नहीं, कोई बालश्री नहीं माना है इस बात को। देखिए वो अपनी अपनी बात है, अपनी अपने अपने ढंग से लोग कहते हैं। एक चैनल पर उन्होंने बोला कि हम स्वागत करते हैं, कोर्ट जो भी कहे कि उसका स्वागत करते हैं, और यदि यह सही बात हुआ है यानी सुन्नी सेंटर बोर्ड ने ले लिया है अपना केस वापस तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी, और ये भाईचारे की बात होगी, आपसी समझौते की बात होगी, और किसी प्रकार का कोई भी पूरे देश में विवाद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस रूप से इसकी सुनवाई शुरू किया वह पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ मैं कि यह जो भी आदेश आएगा वह रामलला के पक्ष में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई करके इसका निस्तारण करने का साहस किया और साथ ही साथ यह निश्चित किया कि 17 अक्टूबर तक सारी दलीलें समाप्त हो जाएंगी, तो सारी दलीलें समाप्त हो गई हैं, अब केवल आदेश करना है। अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कब आदेश पारित करे, और मैं समझता हूँ कि दीपावली के आसपास इसका आदेश भी आ जाएगा, और भव्य दिव्य दीपावली तो यहाँ मनाई जा रही है, साथ ही साथ पूरी अयोध्या केवल दीपावली नहीं होली दीपावली दोनों एक साथ मनाएगा, अबीर गुलाल भी चलेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ दीपावली भी होगी, और सारे जितने भी मंदिर हैं सब सजाए जा रहे हैं, और इसकी पूर्णतया दीपावली भव्य रूप